हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हरे महादेव। मैं आपका आचार्य अपने चर्चा नूतन वर्ष पे राशि का एक वर्ष का फल आदेश पे चल रही है। हमने कर्क तक की बात की, आज की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि पे चर्चा करेंगे कि आपका आने वाला वर्ष कैसा होगा, कौन कौन से माह में आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, कौन से माह आपके लिए अवरोध युक्त है, रुकावट युक्त है, उन पर क्या क्या उसका उपचार कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करिए, अगर आपको लगता है और लोगों को जानकारी इसकी लेनी चाहिए तो आप शेयर करिए। आप लोगों के लिए एक और सूचना कि अगर आप अपना वर्ष फल जानना चाहते हैं तो अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और दक्षिणा लेके हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, आपको एक वर्ष का वर्ष फल दिया जाएगा। आपकी कुंडली के अनुसार महादशा, अंतरदशा और ग्रह के गोचर के आधार पर। तो चर्चा करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि एक प्रमुख राशि है, रूलर राशि है, रूल करना जानती है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है और ये राजा की राशि है। तो राजा वाले गुण होते हैं, पैदाइशी ये लोग राजा होते हैं। अब स्थितियां इनकी राज करने की बन पाए या न बन पाए, लेकिन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे राज करते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला भी होगा, अगर सिंह राशि उसकी हो गई तो रिक्शा चलाने वालों का हेड बन जाएगा। जहाँ पे आप हैं वहाँ पे हेड बन के रहेंगे, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा, ऐसी राशि है। एक और चीज़ होती है कि इनको लगता है कि यही सही है। अगर लग्न का लाड 6-8-12 में आ गया, नीच का आ गया, फिर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि इनको लगता है जो ये चाह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं वही सही है, सब लोग उसको फॉलो करें। ऐसी स्थिति में फिर सामंजस्य बनाना ही बेहतर होता है, नहीं तो आपके पारिवारिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण क्रिएट होता है। चलिए चर्चा करते हैं नूतन वर्ष 2021 सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए कैसे होगा। तो मगा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, ये आप तीन नक्षत्रों का भोग करके सिंह राशि आगे बढ़ेगी। और मामी मुँह मे मो टाटी पी टूटे, ये अगर अक्षर आते हैं तो आपकी सिंह राशि है। जैसे स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2021, तो आपका लग्न आते आते नक्षत्र परिवर्तित हो जाएगा। जहाँ नए वर्ष की स्टार्टिंग हो रही है शनि की राशि में, वहीं पुष्य नक्षत्र में, वहीं पे आपकी राशि आते आते अश्लेषा का स्पर्श हो जाएगा। आपका जब स्टार्टिंग हो रहा है तो आपके लग्न का लाड पंचम भाव में विराजमान है। ये 14 जनवरी तक आपके धनु राशि में रहेगा, तो 14 जनवरी तक आपको निश्चित रूप से सबसे प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा। आपके जो कार्य होंगे बुद्धिपरक होंगे, विवेक युक्त निर्णय आप लेंगे, उससे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपको संतान सुख, प्रेम और आपकी एजुकेशन, यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो साल का स्टार्टिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद 12 फरवरी 14 जनवरी से लेके फिर ये 12 फरवरी तक मकर में गोचर करेंगे। मकर आपके लिए खष्टम भाव है, तो लग्न का लाड जैसे खष्टम भाव में जाएगा, रोग के घर में जाएगा, ऋण के घर में जाएगा, परेशानियों के घर में जाएगा, संघर्ष के घर में जाएगा, तो ये समय आपके लिए संघर्ष वाला होगा। तो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इस समय आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपका सूर्य शनि के घर में जा रहा है, ऑलरेडी वहाँ पे गुरु निम्न के होकर बैठे हुए हैं, उधर विकार मिल सकता है आपको और आपकी सेहत यहाँ कमज़ोर रहेगी, शत्रुओं से आप घिरे रहेंगे। तो ऐसे फैसले ना लें जो कि आपके लिए नुकसानदायक हैं। 12 फरवरी से ये फिर कुंभ में प्रवेश करेंगे। कुंभ आपके लिए सप्तम है, अपने घर को सप्तम दृष्टि से सूर्य देखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे आपके साझेदारी के काम चलेंगे, व्यापार के काम निरंतर चलेंगे। आप पे ही लग्न पे सप्तम दृष्टि है तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। उसके पश्चात फिर ये 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन में गोचर करेंगे। जब इनका मीन में गोचर होगा, यद्यप गुरु की राशि में ही गोचर है लेकिन गुरु अष्टम भाव माने मीन राशि अष्टम भाव में है, सूर्य का अष्टम भाव में जाना बलाबल में कमी, और यहाँ पे गुरु के घर में जा रहे हैं तो गुरु की बातों को सुनना है इनको, गुरु की बात सुन के फिर उच्च के होंगे। तो यहाँ पे ये जो समय होगा आपके आत्मसंयम के लिए होगा, अपने आप को देखने का होगा, अपने कार्यों पे विचार करने का होगा, और इस समय रिस्क न लें। कोई बड़ा कार्य करने का अगर आप सोच रहे हैं तो वेट करिए। इस समय अगर आप पतंगबाजी का शौक रखते हैं या ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो ध्यान दे के करें, क्योंकि आपके ऊपर से नीचे गिरने का योग भी बन रहा है, स्लिप कर सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, कृपया यह एक माह
आप अपने आप को संभाल कर रखें। उसके बाद 14 अप्रैल से फिर ये आपके उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, ये टाइम आपका गोल्डन टाइम होगा, ठीक है ना। तो 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपके लग्न के जो लाड है सूर्य उच्च के होके नवम भाव में भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और आपकी जो साल की स्टार्टिंग हो रही है तो आपके भाग्य भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा हुआ है, ये आपके लिए निश्चित रूप से योगप्रद है। और यहाँ पे जब आपका सूर्य गोचर करेगा तो आपके प्रत्येक कार्य बनते हुए प्रतीत होंगे। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, यूपी में ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, अगर इस टाइम आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी सिंह लग्न सिंह राशि है, तो आपको सफलता सुनिश्चित है, गारंटेड आप सफल होंगे। इसके पश्चात जैसे ये वृषभ में गोचर करेंगे 14 मई से लेकर 14 जून तक, वृषभ में लग्न का स्वामी दशम भाव में गोचर करेगा तो राज्य सरकार, सरकार, पिता, बड़े लोगों से आपको सहायता मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में अगर आप प्रयासरत हैं तो यहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी मिलने की पूर्ण संभावना है। सरकार से कोई काम आपका रुका हुआ था, वो सरकार से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यह समय भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके पश्चात जैसे सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे 15 जून से, तो यहाँ पे लग्न का लाड एकादश भाव में गोचर करने से लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, लाभ भाव का जो स्वामी आय भाव में चलेगा तो सभी मार्गों को प्रशस्त करेगा। तो आपके लिए मेष में, वृषभ में, मिथुन में जब 3 माह आपके लाइफ का बेहतरीन टाइम चलेगा। इस 3 माह में आप जो काम करना चाहते हैं वो काम आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एक चीज़ जरूर ध्यान देना है, जब सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा माने दशम भाव में, वहीं पर राहु बैठा हुआ है, सूर्य राहु आपस में ग्रहण योग बनाएंगे, तो इसमें आपको अधिकारियों से थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखना है, अपने पड़ों से सामंजस्य बनाकर रखना है। जैसे एकादश भाव में गोचर करेंगे आपके लिए बल्ले बल्ले है, हर तरह से लाभ के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे। उसके बाद ये कर्क में जैसे जा रहे हैं, 16 जुलाई से कर्क में जैसे प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पे कर्क में आपके लग्न का लाड अपने से द्वादश जा रहा है, तो आपको सेहत संबंधी परेशानी आएगी, तो कृपया अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। तो 14 जुलाई से 17 अगस्त तक का जो टाइम है वो भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, आप अपने पे ध्यान कम देंगे, भाग दौड़ आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो कृपया अपने सेहत पे ध्यान दें। फिर 17 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये समय भी आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, क्योंकि लग्न का लाड लग्न में ही है। जैसे ये 24 अगस्त के आसपास जाएगा, पूर्ण बलाबल में रहेगा, आप जो काम करना चाहते हैं वो काम कर पाएंगे, मान सम्मान पद सब कुछ आपको प्राप्त होगा, और जितने भी आपके रुके हुए काम हैं बाहुबल से आप उनको बना लेंगे। उसके पश्चात ये सितंबर में जा रहे हैं कन्या में, अब कन्या में जब जाएंगे तो आपको वाणी विकार हो सकता है, आपकी जो वाणी है वो कटु हो सकती है, जिससे आपके परिवारजनों में थोड़ा सा भेद हो सकता है, कुटुंब टूट सकता है, कृपया अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। धन के लिए ये समय फिर भी बेहतर है। इसके बाद फिर ये 17 अक्टूबर से तुला में प्रवेश करेंगे 1 माह के लिए, तो तुला में पराक्रम भाव का स्वामी, जब लग्न का स्वामी पराक्रम में है तो पराक्रम के माध्यम से बोलता है आप पराक्रम करो, आपकी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो पराक्रम से आपके मैं भाग्य के दरवाजे खोल दूंगा। लेकिन तुला में सूर्य आलसी हो जाता है, भोगकारी हो जाता है, तो आप आलस्य न करें, आप भोग में ज़्यादा ना पड़ें, कर्म करें, आपका भाग्य का दरवाज़ा खुलने ही वाला है। इसके पश्चात फिर ये 16 नवंबर से वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, आपके सुख भाव में गोचर करेंगे, सुख संबंधी सारी सामग्रियाँ देंगे, आपको भूमि भवन वाहन अगर लेना चाहते हैं तो ये आपके लाइफ में अगले साल में 2021 में बहुत बेहतर टाइम होगा, आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर से फिर ये धनु में प्रवेश करेंगे, तो धनु में जहाँ वर्तमान में वहीं प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा होगा। तो सूर्य का गोचर आपके लिए बेहतर फल देने वाला है। एक महत्वपूर्ण गोचर और आपके लिए, मंगल 22 फरवरी तक मेष में है, तो दशम भाव का स्वामी, ठीक है ना, दशम आपके कुंडली में नवम भाव का स्वामी स्टार्टिंग में नवम भाव में है, फिर 22 फरवरी तक ये मेष में ही रहेंगे, 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक सब में जाएंगे, तो यहाँ भी आपके सारे कार्य बन रहे हैं। 2 जून तक मिथुन में रहेंगे, तो पराक्रम का स्वामी लाभ भाव में ये आपके काम को बनाएंगे, लेकिन जो वृषभ में गोचर होगा मंगल राव का अंगारक योग युक्त होगा, ये समय आपके लिए थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का है, तो आप इसमें क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। 2 जून तक मिथुन में रहेंगे, उसके पश्चात कर्क में जाएंगे, कर्क में जाते ही नीच के हो जाएंगे, तो आपका उदर, आपका भाग्य दोनों थोड़ा सा डैमेज हो रहे हैं, थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं,
गर्भवती महिलाएं अगर हैं तो इस समय अपने गर्भ का विशेष ख्याल रखें, गर्भ स्राव हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव में ऑलरेडी आपके जो पंचमेश हैं वो निम्न के होकर चल रहे हैं, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए अपना गर्भ का विशेष ख्याल रखें। उसके पश्चात फिर ये आपके कन्या में जा रहे हैं तो कन्या में आपके मंगल अच्छा फल देंगे, तुला में भी अच्छा फल देंगे, और 5 दिसंबर लास्ट वृश्चिक में जा रहे हैं, 5 दिसंबर से वृश्चिक में, तो भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं, बहुत अच्छा फल देंगे। गुरु का जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा नहीं है, गुरु का छोटा सा मूवमेंट है आपके लिए। गुरु चूंकि आपके पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 6 अप्रैल को ये कुंभ में गोचर करेंगे तो बढ़िया है। पंचम का स्वामी सप्तम में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, एक तरह का राजयोग कन्वर्ट करेगा। लेकिन क्योंकि अष्टमेश भी है और अष्टम का स्वामी सप्तम में जाएगा तो जीवन साथी के लिए परेशानी। वैसे भी आपकी कुंडली में जो सप्तम भाव का स्वामी है शनि, अपने ही राशि में अपने से द्वादश गोचर कर रहा है, तो आपको जो दाम्पत्य जीवन है डगमगाता हुआ प्रतीत हो रहा है, कलापूर्ण होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और शनि जो है अभी मकर में ही है, लेकिन कुंभ का फल दे रहे हैं, ये शनि मई के बाद आपके मकर का ही फल देंगे तो आपको रोग बढ़ाएंगे, तो कृपया उस पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस रखें। बुध का भी आपके कुंडली में महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि बुध आपके धनेश है और एकादशेश है, तो 5 जनवरी तक मकर में है, 25 जनवरी को फिर कुंभ में प्रवेश करेंगे, 4 फरवरी तक मकर में वक्री रहेंगे, और 11 मार्च से 1 अप्रैल फिर कुंभ में जाएंगे, तो यहाँ पे वक्री और मार्गी हो रहे हैं ये, 1 अप्रैल से मीन में, 16 अप्रैल से मेष में, 1 मई से वृषभ में, 26 मई से मिथुन में, 3 जून से कर्क में, और 3 जून से वक्री होकर फिर मिथुन वृषभ में आएंगे, और 9 अगस्त को फिर सिंह में मार्गी हो रहे हैं। तो जब आपके बुध जो है मिथुन में है, सिंह में है, कन्या में है, वृषभ में है, मेष में है, आपको बहुत अच्छा फल दे के जा रहे हैं। शनि का मूवमेंट आपके कुंडली में बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो रहा है। शुक्र का गोचर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, 4 जनवरी से धनु में, 28 जनवरी से मकर में जाएंगे, 21 फरवरी से कुंभ में जाएंगे, 17 मार्च से मीन में, 10 अप्रैल से मेष में, 4 मई से वृषभ में, और 29 मई से मिथुन में, 22 जून से कर्क में, 17 जुलाई से सिंह में, 11 अगस्त से कन्या में, 6 सितंबर से तुला में, और 3 अक्टूबर से वृश्चिक में, और लास्ट में 3 अक्टूबर से फिर धनु में गोचर करेंगे, और लास्ट में 6 दिसंबर से ही मकर में जाएंगे। तो जो शुक्र का भी गोचर है आपकी कुंडली में, शुक्र अपने राशि में, मित्र के राशि में है, कर्म भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी है, तो आपके कर्म और पराक्रम को विस्तार देगा। ये साल ज़्यादातर संभावनाएँ यही हैं कि आप जो है जंगल में घूमते हुए सिंह की तरह रहेंगे, पिंजड़े में कैसे सिंह की तरह नहीं रहेंगे, फिर भी एक सलाह मैं जरूर आपको दूंगा सिंहराज सिंह लग्न वालों के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन का विशेष ख्याल रखें। आपकी वाड़ी, आपका जो दबाने का नेचर है वो आपके परिवार को बिखराव की ओर ले जा रहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, ठीक है ना, और टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। सूर्य की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर आपके सिंह लग्न सिंह राशि है तो आप एक माणिक पहन सकते हैं, लेकिन क्रोध की मात्रा ज़्यादा है तो माणिक ना पहने, फिर आप मूंगा पहन के रखें। अपने गुरु को बल दें, क्योंकि गुरु आपका पंचम है, आपकी बुद्धि भी थोड़ी निम्न हो रही है, संतान पक्ष से भी कष्ट मिल सकता है, एजुकेशन से भी आपको थोड़ी सी रुकावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका सूर्य जब मेष में गोचर कर रहा है, आपका सूर्य वृषभ में गोचर कर रहा है, मतलब सूर्य आपका 14 अप्रैल से लेके और फिर पूरा जून तक, जून नहीं जुलाई तक जाइए, जुलाई तक आपके लाइफ का बेहतरीन टाइम है, आप जो कुछ करना चाहते हैं सब कुछ आप कर सकते हैं। अपने सूर्य को बल दीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दिया करिए, आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। और शनि के लिए राहु आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, दशम भाव का राहु राजयोग कारक होता है, मनमोहन सिंह को इसी राहु ने प्रधानमंत्री बनाया। केतु के अष्टम भाव में उपस्थिति थोड़ा सा परिवार में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर रही है, तो जब भी मंगल और राहु इकट्ठे हो रहे हैं दशम भाव में तो अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, आप अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो कृपया आप ध्यान रखिए अपने क्रोध पे बिल्कुल नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपका क्रोध जो है आपके मार्ग में अवरोध पैदा कर रहा है, आपके अपने अधिकारियों से वो बिगाड़ेगा, आपके अपने पिता से संबंध खराब करेगा, और जिसके पिता से संबंध खराब हो गए उसका सूर्य खराब ही हो जाएगा। इसलिए अगर आप जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सूर्य की तरह चमकें, तो आप अपने पिता से संबंध बेहतर बना के ही रखें। आप चाहते हैं कि भूमि भवन वाहन का आपको परिपूर्ण सुख मिले, तो जो उसका कारक है चंद्रमा,